देखिए, जब सूरज, पृथ्वी और चांद ये तीनों एक लाइन में हो, सूरज ये सूरज है मान लीजिए, ये पृथ्वी है हमारी और ये चांद, ठीक है, ये तीनों एक लाइन में हो। अब चांद हमारी यहाँ आ गई और हमारा सूरज इधर है, तो ये हमारा हो गया पूर्णिमा। पूर्णमासी और जब ठीक चांद घूमते हुए इधर चला गया और अब चांद चांद नहीं दिख रहा है, सूरज पृथ्वी से ढक गया है, ठीक है, और सूरज की रोशनी डायरेक्ट अब चंद्रमा पे नहीं पड़ रही है, तो बस अब आगे बढ़िए कि हम लोग एकादशी का व्रत क्यों करते हैं। अब हमारा ये ऐसे 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 घूम रहा है, अब ये पूर्णिमा आने वाला, पूर्णिमा सर के आवाज पहले। नहीं आ अरे रही। बाकी लोग आवाज आ रही है, हाँ जी आपका कुछ प्रॉब्लम होगा। आ रही है मंजी दीदी? हाँ जी हाँ, तो अब ये पूर्णिमा के 4 दिन पहले एकादशी रही। आता है, उसी प्रकार घूमते घूमते ये पूर्णिमा हो गई। अब घूमते 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 अमावस के 4 दिन पहले, है ना, ये अमावस है, उसके 4 दिन पहले एकादशी हो रहा है, ठीक है ना। अभी घूम रहा है, पूर्णमासी तो 4 दिन पहले होंगी है जी पूर्णिमा एकादशी। के 4 दिन पहले भी एकादशी होगा और अमावस के 4 दिन पहले भी एकादशी होगा। पूर्णिमा हाँ दो के, हाँ, एकादश पूर्णिमा के 4 दिन पहले के एकादशी को हम लोग शुक्ल एकादशी कहते हैं, और अमावस के 4 दिन पहले के एकादशी को हम लोग कृष्ण कृष्ण एकादशी, ठीक है ना। तो शुक्ल एकादशी मतलब जो सफेद है ना, जिसमें, जो हाँ, जिसमें ज्योति रहती है, ज्योति जो जो रहती है, हाँ। तो अब आपको ये समझिए कि दोनों एकादशी में ये सूरज पृथ्वी और चांद जब एक दिशा में होते हैं तो आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी पर जो रहता है वो बढ़ जाता है, और उससे बढ़ने से, और इसमें भी बढ़ता है, तो जो गुरुत्वाकर्षण जब बढ़ जाता है तो आपका अंदर जो भी पेट में आपके जो जो भी तरल पदार्थ आप जो खाते हो वो सब ब्रेन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सारे फोर्सेस यहाँ से कनेक्ट, यहाँ से कमांड होते हैं। आज्ञा चक्र यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि, सहस्रार चक्र। तो इसीलिए साधना जो हम जो आप जो कर रहे हैं और जो लोग सीखेंगे, वो जो आप जब अपने जो चक्रास है उसको जो आप लोग जागृत करने वाली साधना जो हम आनंद मार्ग की साधना में हम सिखाते हैं 6 लेसन्स में, इस पर हमने आपको ऑलरेडी लेक्चर दिया हुआ है 6 लेसन्स के ऊपर। तो आप लोग जब आप जो लोग साधना सीख लिए हैं उनको पता चल रहा होगा, और जो लोग साधना सीखेंगे है ना, तो उनको समझ में आएगा कि जब आप साधना करते हैं तो आपका पेट की जो एनर्जी है, मणिपुर चक्र से एनर्जी, वो को आपको एनर्जी को यहाँ तक लाना है, तो उस एनर्जी को आपको ठीक करने के लिए भी अनाहत चक्र है, आपकी हार्ट की फंक्शनिंग है, फेफड़े और इसके हृदय की गति, ये सारा जुड़ा हुआ है जो आप आयुर्वेद में पढ़ रहे हैं। तो ये पूरी विज्ञान को हम लोग बायोसाइकोलॉजी कहते हैं, जिसका हमने आपको अभी सिलेबस दिखाया, राइट। अब इसको पूरी तरह हम बहुत व्यवहारिक रूप में हम सीखें, तो हमारे शरीर में जो भी व्याधि होती है उसमें क्या होता है कि हम शरीर को यजुर्वेद में और कठोपनिषद में कहा है, आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमे बुद्धु बुद्धिं तु सार्थि विधि मनः प्रग्रमे विचार। जिसकी आत्मा जागृत है वही अपने शरीर को मंदिर की तरह पूजता है और उसको ऐसा रथ बनाता है, ऐसा वाहन बनाता है, जिस वाहन पे स्वयं परमात्मा सारथी बन करके और उस पर सवार होकर के आपकी बुद्धि को विवेक बना देते हैं और बोधि की ओर ले जाते हैं, और मन को जो 10 इंद्रियों के द्वारा संचालित जो 10 घोड़े आपके हैं, आँख नाक कान जीवा और त्वचा, ये आपके ज्ञानेंद्रिय हैं, और हाथ हाथ पैर वाक पायु उपस, आपका हाथ है, पैर है, आपका बोलने का यंत्र है वाक, और पचाने का यंत्र है, और आपका जो ये यूरिन का जो यंत्र है यानी प्रजनन का जो यंत्र है, ये 10 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया, ये 5 और 5 10, ये 10 आपको 10 दिशाओं में आपको ले जाते हैं, और 10 गुना 10 100 कौरव हैं, और इसको कंट्रोल करने वाला 5 पांडव आपके 5 तत्वों को नियंत्रण करके आपको पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को नियंत्रण करने के लिए यहाँ स्वयं सहस्रार चक्र पर कृष्ण और शिव के रूप में आज्ञा चक्र पर वह आपको मिलते हैं।
या पूरी साधना है, और यही महाभारत और रामायण, कि आपका जो जो 10 इंद्रियों का गुलाम आप बन जाइए तो आप रावण हो गए, 10 इंद्रियों को हरा दीजिए तो दशहरा, 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले विजयदशमी से, आप 100 जो आपके जो 10 इंद्रियों के गुलाम बन करके 10 दिशाओं में 10 जो उनके प्रभाव हैं आंतरिक और बाहिक, तो आप 100 कौरव हो गए, और अंधे मन से आप संचालित हुए, दिमाग ने लगाए बुद्धि ने लगाए, तो आप हो गए धृतराष्ट्र के द्वारा संचालित, और आपने पाप किया, अधर्म किया। और आपको अगर पांडव बनना है तो आप अपने पांचों तत्वों को, पांचों चक्रों को, पांच कोष को, पंच पांच पांच आपके जितनी पांच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कोष, पंच भूत, ये सारे चीजों को आप जानिए, और उसको जागृत करके, और यहाँ बैठे कृष्ण जी को आप बुलाइए। ऐसे वृंदावन में जाके सिर्फ कीर्तन गा लेने से नहीं होगा, कृष्ण जी को बुलाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, भक्ति चाहिए। तो कृष्ण जी को भक्ति चाहिए, भक्ति कैसी, कर्मयोग वाली भक्ति, बैठ कर सोचेंगे हम यहाँ भजन कर लिया, बाद में इतना रसगुल्ला खाए कि पेट खराब हो गया, है ना। तो इसीलिए आपको एकादशी के बाद खूब खाइए, 12 अपन 14 दिन, 15वें दिन आप क्या करिए, फल खाइए, चाय मत पीजिए, कोई भी भगवान जो चीज नहीं बनाया वो नहीं खाइए। बाद में हम आपको निर्जला करना के लिए हम प्रेरित करेंगे, और उतनी शक्ति आपको आएगी कि आप निर्जला भी करेंगे, डोंट वरी। हम 90 ईयर्स के लोगों को भी निर्जला उपवास कराए हुए हैं, मुझे पता हो जाता है ना, जब आपकी चक्रा ना चक्र से ऊपर आ जाएगी ना तो आप अशरीरी हो जाएंगे, आप निर्जला जितना चाहो उतना करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप पहले आप उस दिन आप कोई भी भगवान जो नहीं बना, कैसे पता चलता भी ना चक्र के ऊपर आ गया या ना चक्र तक आ गया, आपके सिम्टम से, आपके शरीर के लक्षण से, अनाज चक्र का पावर आपको वृत्ति, मैंने ग्लैंड्स और चक्रास और वृत्ति आपको पढ़ाया ना, नोट्स निकाल के देखा आपने, पीपीटी जो है देखा आपने, बोलिए मंजीत दीदी, मैंने मंजीत दीदी आप ही से पूछ रहा हूँ, आपने चक्रास के ग्लैंड्स के सॉरी चक्रास की वृत्तियों को आपने या देखा, उस समय देखा, बाद में नहीं सर देखा, मैंने उसी दिन दूसरे दिन वो पीपीटी डाला था, आपने देखना चाहिए था ना, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद और डाला था, तो ये पढ़ना पड़ेगा दीदी, पढ़िए मस्ती में पढ़िए, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आपको याद रखिए और आप एकदम हम जैसे बोले मणिपुर चक्र की वृत्ति, लज्जा प्रसन्नता ईर्षा सुषुप्ति विषाद कषाय तृष्णा मोह घृणा भय आशा चिंता चेष्टा ममता दम्भ विवेक लोलता कपटता वितर्क अनुताप अहंकार या षड्ज ऋषभ गंधर्व मध्यम पंचम दैवत निषाद, मैं आपको थोड़ी ये बोलने बोल रहा हूँ अभी, तो सर ग्लैंड्स तो मणिपुर से स्टार्ट होती है ना, नहीं नहीं अभी तो आपने पूरा गड़बड़ा दिया ग्लैंड्स आपके स्वाधिष्ठान चक्र से स्टार्ट होते हैं, ये क्वेश्चन आप ही का था, और उस दिन आपके लिए मैंने आधा घंटा बोला था। हाँ, ग्लैंड्स पता नहीं पहले चक्र पे ग्लैंड्स नहीं होते, पहले चक्र पे नहीं होते, मूलाधार चक्र पे, स्वाधिष्ठान से, स्वाधिष्ठान पे कौन ग्लैंड होता है कौन बताएगा, आप ही लोग बोल रहे हैं, बाकी सब साइलेंट है म्यूट किए। कविता कविता बहन और बलविंदर दीदी, मेरे तरफ शोर हो रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आप आंसर ये बताओ बलविंदर दीदी, आप बताओ कौन कौन है, स्वादिष्ठान में कौन कौन ग्लैंड है, दो कैसे होगा, पुरुष में एक है स्त्री में एक है, एक पुरुष वाला एक स्त्री वाला, हाँ जी, हाँ तो दो नहीं हुआ ना, दोनों के अलग अलग, एक ही ग्लैंड है, पुरुष में, पुरुष में टेस्टिस और माताओं में ओवरीज, ओवरीज, वेरी गुड, ये स्वादिष्ठान चक्र, ये पता हुआ मंजीत दीदी, क्या और कंफ्यूजन है, जी सर हाँ पता, हम आपसे पूछेंगे कि उसकी वृत्ति कौन है तो आप भले ही ना बता पाओ, ग्लैंड्स फिर सेकंड चक्कर से स्टार्ट होते हैं ना, हाँ जी हाँ, क्योंकि जो मैंने चार्ट बना दिया ना उस दिन बना के आपको भेजा उसमें मैंने, लेकिन आपने इस गुरुमुखी में लिख दिया, मैं कैसे पढ़ूंगा गुरुमुखी, हाँ नहीं वो तो ठीक है, आपने बोला भी ये आर्ट ऑफ लिविंग से सीखा, नहीं वो आर्ट ऑफ लिविंग से मुझे ग्लैंड नहीं, वो ना आपने जो पढ़ाए थे उसके मुताबिक किया, लेकिन मैं लिखते समय ना मूलाधार चक्र पे भी ग्लैंड लिख गई थी जो मुझे नहीं लिखने चाहिए थे,
मुझे बाद में एहसास हुआ वो स्वादिष्ट ट्रांसिट स्टार्ट होते हैं ग्लैंड्स। मूलाधार चक्र का सारे ग्लैंड्स का कंट्रोलर की सॉरी बेस है, वो आधार है। नहीं तो अगर नहीं होता तो वहां काम अर्थ धर्म और मोक्ष चारों वृत्तियां नहीं होती। ओके मैंने अरे आपको कितनी बार वो दिखाया वो वीडियो, अभी फिर दिखा दूं। रिवीजन क्लास है इसलिए मैं दिखा देता हूं, है ना, लेकिन ये शॉर्ट में आप लोग देख लेना उसके बाद। सर एक लाइन दोबारा बोलो, ये बता दो प्लीज। एक मिनट दीजिए। क्या मूलाधार पे सारे ग्लैंड्स का बेस होता है ये बोलना है ना? जी सारे ग्लैंड्स का आधार है इसीलिए उसका नाम मूलाधार है। सारे ग्लैंड्स का आधार है, सारे ग्लैंड्स का आधार है मूलाधार, सारे ग्लैंड्स का आधार है। देखिए अब आप लोग, अब इस बार आप लोग थोड़ा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग री रिकॉर्ड कर देता हूं एक मिनट।